है व्हाट्स अप गाइस, आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। शाहरुख खान पठान ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, उसके रिलीज डेट की बात करेंगे, उसके रिलीज टाइम की बात करेंगे। शाहरुख खान की मूवी का पठान का ट्रेलर रिलीज होने वाला है वायर एफ के चैनल पे। रिलीज कब होने वाला है वो बता देता हूँ, 10th of January 2023 10 तारीख को रिलीज होने वाला है। आज आई थिंक 4 तारीख है और 5-6 दिन बाकी, उसके बाद इसका ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। बट यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आप देखते हो साउथ के अंदर, ठीक है, जब KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो आप देखो जिस तरीके से यहाँ से करण जौहर उसको है ना इवेंट के अंदर गया था, रिलीज करने के लिए गया था। नॉट ओनली फॉर दिस, बहुत सारी मूवीज आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप देखना कब जब पुष्पा द रूल का जब ट्रेलर आएगा कभी भी 1-2 साल के बाद, तो वो हिंदी ऑडियंस से किसी और बड़े सुपरस्टार को इन्वाइट करेंगे। फिर आप विक्रांत रोना की बात करो, शॉर्ट में बोलूँ तो भाई साउथ का कोई भी मूवी रिलीज होता है ना तो वहाँ पर किसी ना किसी को इन्वाइट किया जाता है, बड़ा है ना एक इवेंट किया जाता है, वहाँ पर सुपरस्टार आते हैं, मूवी की स्टार कास्ट आती है, उसके डायरेक्टर्स होते हैं, उसके प्रोड्यूसर्स होते हैं, मूवीज के बारे में बात करते हैं, गाना होता है, उसके बाद ट्रेलर रिलीज किया जाता है प्रॉपर प्रमोशन के साथ। ये ट्रेलर का इवेंट होता है मूवी का है ना, प्रमोशन का एक जस्ट एक प्रमोशन का हिस्सा, एक स्ट्रेटेजी होती है। बट अगर हम बात करें पठान की, तो यहां पर ऐसा कोई इवेंट नहीं है, कोई स्टेज शो नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ प्रमोशन नहीं है, वो सीधा YRF के ऊपर जिस तरीके से सॉन्ग को रिलीज किया है, जिस तरीके से टीजर को रिलीज किया था बिना कुछ इंफॉर्मेशन दिए शाहरुख खान के बर्थडे पे, वैसे ही यहां पे पठान के ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा 10th of January और सुबह 11 बजे उस ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा YRF के चैनल के ऊपर। अब देखो यहाँ पर बात ये बनती है कि भाई पठान के ट्रेलर जब रिलीज हो रहा है तो कोई इवेंट बनता था, कोई है ना ट्रेलर इवेंट बनता था, तो मैं बोलूंगा नहीं बनता था यार, सिंपल सी बात बताता हूँ, नहीं बनता था। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई शाहरुख खान की पठान का जो ऑलरेडी जो क्रेज है ना बाप लेवल का है, ठीक है, वो आप किसी भी तरीके से उसका ले लो, ठीक है, वो शाहरुख खान के फैंस जिस तरीके से एक्साइटमेंट दिखा रहे, जिस तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं उसको लेके ले लो, जिस तरीके से शाहरुख खान का एक अलग स्टारडम है भाई, वो किंग है बॉलीवुड का, नॉट ओनली फॉर बॉलीवुड, दुनिया में जाना जाता है वो। तुर्की में देखो अभी से हाउसफुल चल रहे, जबकि भाई 20 दिन से भी ज्यादा बाकी उसको रिलीज होने में, आप उसके थ्रू ले लो या फिर आप इसके थ्रू भी ले सकते हो। जिस तरीके से पब्लिसिटी हुई है, जिस तरीके से भाई कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है बेशरम रंग के नाम पे या फिर पठान के नाम पे, या फिर अभी आप देखो सेंसर बोर्ड ने जिस तरीके से वो एक इशू पैदा किया, उसके बाद जिस तरीके से सारे के सारे न्यूज चैनल्स पे पठान 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 चल रहा है, ये वाला एक इशू ले लो। जिस तरीके से भी हर घर के बच्चों बच्चों को बताया कि शाहरुख खान का पठान रिलीज होने वाला है, तो प्रमोशन करने का जरूरत तो है नहीं। एंड दूसरी बात, शाहरुख खान की खुद मूवी आ रही है, वो बंदा इतना बड़ा है कि भाई वो किसको इनवाइट करेगा कि भाई तू आ और मेरी मूवी को प्रमोट कर। शाहरुख खान से ऊपर मुझे एट दिस टाइम मुझे कोई नजर नहीं आता, ठीक है, जो हाल फिलहाल में काम कर रहा है साउथ वाले के तो प्रमोट करने से रहे, क्योंकि वो शाहरुख खान है, वो खुद शाहरुख खान के फैंस है। और बॉलीवुड के अंदर बात करें तो मुझे नहीं नजर आता कि शाहरुख खान से ऊपर एट दिस टाइम उसके लेवल का कोई है, तो यार कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड मुझे नहीं लगता, जिस तरीके से मैं अल्लू अर्जुन के बारे में बात करता था, आमिर खान के बारे में भी मैंने बोला था, हालांकि वो रिमेक्स की वजह से फ्लॉप हो गई। आप देखो मैं नहीं मानता कि भाई शाहरुख खान को भाई प्रमोशन की जरूरत है, विदाउट प्रमोशन रातों रात भी आप रिलीज कर दो कि भाई वो ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। एनीवेज यार देखो पठान का जो ट्रेलर आने वाला है वो 10th of January को आने वाला है एंड सुबह 11 बजे आपको देखने को मिलेगा। एंड ट्रेलर के दिन तो भाई गजब एक मजेदार माहौल होगा, बट आप कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। पहले दिन का कलेक्शन कितना आने वाला है ना ये देखने वाली बात रहेगी। फिर जब देखो पहले दिन तो बंपर कलेक्शन आएगा, क्योंकि SR के वॉरियर्स फर्स्ट शो जाने वाले, ठीक है, मैं खुद तो यार डेफिनेटली मैं तो सोच रहा हूँ सुबह 4-5 बजे का शो मिल जाए तो वही चले जाऊंगा जो सबसे पहला शो होगा। तो भाई वेट तो हो नहीं रहा है, मेरे को तो पूरी रात नींद आएगा ही नहीं 24 जनवरी को। तो उसके बाद वो मूवी का जो पहले दिन का कलेक्शन है तो बाप लेवल का ही है, अगर रिव्यूज अच्छे आ गए तो भाई 26 उसके बाद 26th of January तो वहां पर लोगों की छुट्टियां रहेगी, हॉलीडे रहेगा, तो डेफिनेटली भाई उस दिन तो डबल कलेक्शन होंगे, क्योंकि SRK वॉरियर्स है जो शाहरुख खान फैन से, हो सकता है कि भाई सारे के सारे को टाइम ना मिले, जो शाहरुख खान के फैंस है उनको टाइम ना मिले, उनको भाई काम काज होते, तो हो सकता है छुट्टी टारगेट करे वो 26th of January। तो अगर भाई रिव्यूज भी अच्छा आ गए, कंटेंट एंड स्टोरी भी अच्छी निकल गई ना, तो आप सेकंड है तो और इंक्रीज कर लो कलेक्शन, फिर तो ये रुकने नहीं वाला, फिर पठान को कोई रोकने वाला मिलेगा नहीं आपको। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं कि स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।